ये गेम खेली गई थी ताल वर्सेस पासवान के बीच में, और ये लातवियन चैम्पियनशिप में खेली गई थी 1953 में। ठीक है, तो गेम शुरू होता है e4 के साथ, c5, नाइट टू f3, फिर आया d6 मूव। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने डेवलपमेंट में लग गए। मिखाइल ताल ने f4 किया, जो कि काफ़ी क्रूशियल है। व्हाइट कैसल करने ही वाला है ऐसा लग रहा है। ये h1 किया जाता है ताकि ब्लैक का नाइट कोई अननेसेसरी चेक्स ना दे पाए व्हाइट के किंग को। सेंटर में पॉन एक्सचेंज हुए ई फाइल में, या आखिर नाइट h4 क्यों चला है मिखाइल ताल ने? धीरे धीरे सारे राज पता चलेंगे हमें। नाइट पर अटैक, बताइए कि किससे लेना चाहिए हमें ब्लैक का नाइट। मिखाइल ताल ने अपने रुक से लिया। मिखाइल ताल की क्वीन पर अटैक बनाया गया। क्वीन मूव हुई d6 पे। ये g और f फाइल पे मिखाइल ताल कुछ गेम प्ले करने की कोशिश में हैं। मिखाइल ताल ने एफ फाइल पे रुक्स डबल किए। और ये किंग जा चुका है h8 पे। रुक को पीछे लिया गया। पॉन एक्सचेंज, पॉन ये अब पहुंच चुका है g6 पे। मिखाइल ताल ने वापस उस रुक को लेने के बजाय अपना पॉन आगे बढ़ाया। यहाँ मिखाइल ताल ने अपना गेम शुरू कर दिया है सेक्रीफाइस का, जैसे कि वो मशहूर हैं अपने सेक्रीफाइसेस के लिए। ब्लैक ने एक्सेप्ट किया इस सेक्रीफाइस को। अब जाकर मिखाइल ताल ने उस रुख को लिया। चेक, ये जो दो कनेक्टेड पासर्स हैं वो बहुत ही डेंजरस हो चुके हैं ब्लैक के लिए। क्वीन पर अटैक बनाया ताल ने। क्वीन एक कॉर्नर में जा चुकी है ब्लैक की। और इसी के साथ मिखाइल ताल ने नाइट लिया सेंटर का। तो क्वीन एक्सचेंज हुई। मिखाइल ताल ने इसे क्वीन एक्सचेंज को कंप्लीट कैसे करें वो हमें अब पता चलेगा। मिखाइल ताल ने दिया चेक। किंग मूव हुआ।
फिर से क्वीन प्रमोट, किंग मूव हुआ, फिर से एक चेक, फिर किंग मूव हुआ, फिर चेक, फिर मूव हुआ किंग, वापस पॉन से चेक, फिर किंग मूव हुआ रुक से चेक। अब ये किंग जाएगा, अब ये किंग वापस अपने घर कभी नहीं जा पाएगा। इस तरह से मिखाइल ताल को ब्लैक की क्वीन मिली। तो हमें जो लग रहा था कि मिखाइल ताल ने अपनी क्वीन लॉस्ट कर दी है, खो दी है, वो एक्चुअल में ब्लैक की क्वीन खो गई थी, खोने वाली थी, जो हमें अब पता चला। इसके बाद पासवान ने रिज़ाइन कर दिया।